है. अब बात आती है आइडेंटिफाइंग द क्लास मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग करनी है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासेस को ठीक है क्या क्या मेथड होते है? कैसे हैं कैसे हम पहचानेंगे क्या ये क्लास है या नहीं ठीक है इन आइडेंटिफाइंग क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरियंटेड ओरियंटेड मॉडलिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम एंड द आइडेंटिफाई क्लास आर क्रूशियल एक्टिविटी मतलब हमें

ठीक है क्लासेस बेसिकली क्या होती है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनके को कैसे करते हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि आप नाउन यूज करो क्लासेस के लिए और वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं ठीक है क्लासेस uh, बनाने के लिए और उनके रिलेटेड मेथड बनाने के लिए देखो तो स्टेप्स क्या है सबसे पहला स्टेप फाइंड द नाउन आपको क्या फाइंड करना है नाउन फाइंड करना है रीड थ्रू द प्रॉब्लम

ट्रांसलेट कर देंगे किस में क्लास में ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज मतलब हम उसमें ये भी ढूंढेंगे कि किन किन क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं क्या क्या उनमें एट्रीब्यूट होंगे और उनकी एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है ठीक है आज क्वेश्चन रिलेटेड टू सिस्टम ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द क्लाइंट और यूजर तो जब भी आप यूजर से बात करोगे तो पहले पूछोगे कि हाँ भाई क्या क्या बनेगा मान लो यूजर्स बनेंगे या फिर आप मान लो अगर बैंक का बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो तो आपको पता चले अकाउंट्स भी होते हैं तो नाउन बहुत सारी चीजें आएंगी आपके बीच में से नाउन तो वो सारी चीजें आपको यूज करनी है जैसे यूजर हो गया ठीक है आपका मैनेजर हो गया आपका क्लाइंट हो गया तो ये बहुत सारी नाउन्स आ रही है तो उन नाउन्स को ध्यान में रखते हो आप फिर इमेजिन करोगे कि क्या क्या क्लासेस बन सकती हैं क्या क्या उसके अंदर एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं ठीक है इसके बाद अगला आता है इवेल्युएटिंग द नाउन टू फाइंड क्लासेस आज क्वेश्चन टू इवेलुएट नाउ क्या क्या क्वेश्चन पूछ पूछना है इज द टर्म नीडेड विद इन द प्रोजेक्ट स्कोप क्या ये चीज हमारे में यूज होगी जैसे मैंने बताया बैंकिंग अगर सिस्टम बना रहे हो तो आपका क्लाइंट आपकी क्लास क्या यूजर में मतलब यूज होगी पूरे सिस्टम में ठीक है प्रोजेक्ट स्कोप में है कि नहीं डज द नाउन क्वालिफाई एज अ प्रॉब्लम डोमेन सोर्स क्या आपको पता चल रहा है कि हाँ ये भी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है इसके बाद इफ यस थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट क्लास नेम फॉर द रिसोर्स तो आपको सोचना है कि मैं क्लाइंट रखूं या फिर यूजर रखूं या फिर मैं कोई और नाम रख दूं ठीक है जैसे अकाउंट होल्डर या एक क्लास बन तो ऐसे मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि क्या नाम हो सकता है डिटरमाइन इफ द नाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास और एन एट्रीब्यूट तो हमें एक डिटरमाइन करना है कि क्या ये हो सकती है ये नाउन जो है एग्जाम्पल हो सकती है किसी क्लास का अगर होगी तो हम क्या करेंगे क्लियरली डिस्क्राइब वाई द क्लास इज रिक्वायर्ड रिसोर्स इन द प्रॉब डोमेन तो हमें इस क्लास की जरूरत क्यों है तो ये तीन स्टेप हम फॉलो करेंगे सबसे पहला क्या फाइंड द नाउन दूसरा क्या इवेल्यूटेड द नाउन टू फाइंड क्लास मतलब आपको चेक करने की नाउन क्लास बनाई जा सकती है इसके बाद तीसरा डिफाइन द पर्पज कि उसका क्या पर्पज होगा सपोज एग्जाम्पल बताता हूँ मैंने बैंकिंग सिस्टम बनाना है तो मैंने फाइंड करा चलो ऐसा सोचते हैं कि आ, इसमें बार बार ना अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है इसका मतलब क्या है हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी या तो अकाउंट होल्डर नाम से किसी भी नाम से क्योंकि नाउन है ठीक है नाउन तो पता ही है संज्ञा आपने पढ़ी होगी बचपन में ठीक है नाम किसी का भी

define and purpose क्यों डिफाइन करें उसका पर्पस क्या है ठीक है जैसे मैंने अकाउंट होल्डर क्लास बनाई अब मुझे पता चल गया अकाउंट होल्डर तो बहुत लंबा है तो हम उसको सीधा क्लाइंट नाम से क्लास बना सकते हैं तो क्लाइंट मैंने क्लास बना दी उसको uh, मैंने डिफाइन कर दिया कि क्लाइंट जो बंदा आएगा अकाउंट खोलेगा वो क्लाइंट है उसका पर्पस होगा कि हम उसके अकाउंट्स बनाएंगे ठीक है तो ऐसे बनाना है एग्जांपल जैसे दिया हुआ देखो नीचे ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम यूनिवर्सिटी में आप देखो क्या क्या चीजें बन सकती है मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ये आ सकता है कि आप ऑब्जेक्ट मॉडल बनाओ किसी भी सिस्टम का ठीक है यूनिवर्सिटी सिस्टम का देखो बनाने के लिए बोल दिया गया है तो यूनिवर्सिटी जो है आपका मेन नाउन है ठीक है यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या हो सकता है देखो एडमिनिस्ट्रेटर होगा फैकल्टी होगी और रजिस्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन होगा ठीक है रजिस्ट्रेशन इवेल्युएशन कौन करेगा स्टूडेंट करेगा स्टूडेंट भी नाउन है ठीक है इसके बाद स्टूडेंट के नीचे क्या क्या आएंगे पीजी स्टूडेंट डिप्लोमा स्टूडेंट और यूजी स्टूडेंट ठीक है तो यूजी मतलब और डिप्लोमा तो सारे मास्टर प्रोग्राम करेंगे डिप्लोमा वाले जो पीजी डिप्लोमा यूजी डिप्लोमा करेंगे और यूजी वाले जो होंगे वो यूजी डिप्लोमा करेंगे और ये वाले डिप्लोमा करेंगे बीसीए मतलब जो बैचलर्स होती है बीसी बी एस पी और म तो ये सारा आपने इस तरीके से बनाना है मतलब पूरा हिरार की है। है? स्टूडेंट और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा और वो किस में करेगा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेगा तो इस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है ठीक है अगला आता है बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरियंटेशन क्या क्या बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरियंटेड के तो बहुत सारे फायदे हैं जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं पहला क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फास्टर डेवलपमेंट ओ एम

रिलायबल सिस्टम है ना इसके बाद इजियर मेंटेनेंस हम इजिली उसको मेंटेन कर सकते हैं मैंने बताया था ना अगर कोई नया फीचर ऐड करना है तो नया फीचर ऐड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे उसकी जो सुपर क्लास है उसके अंदर चेंज कर देंगे ऑटोमेटिकली सारी जगह चेंज हो जाएगी ठीक है तो इजी टू अपडेट एंड मेंटेन कैन चेंज मेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम ठीक है अगला क्या है री ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब हम इसको री कर सकते हैं ओ एम प्रमोट द रीयूज ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न ठीक है डेवलपर्स कैन लेवरेज एक्स एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क सेविंग टाइम एंड अफर्ट्स टू क्रिएटिंग न्यू

एंड एसोसिएशन तो ये सारे आप पढ़ सकते हो बहुत ही सिंपली है तो मतलब हमने यहां तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया ठीक है हमें आइडिया हो चुका है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेटर है ठीक है इसके बाद अब इसका यूज कहाँ होता है रियल लाइफ में ठीक है तो पहले हम बता देते हैं थोड़ा सा समझा देते हैं थोड़ा आइडिया देते हैं ताकि आपको पता चले चल सके कि अभी तक जो हम इतना कुछ ताम झाम पढ़ रहे हैं तो वो किस परपज से पढ़ रहे हैं ठीक है मेनली हमें पर्पज तो पता होना चाहिए है ना तो मेन पर्पज है इसका इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्टिस हम करते कैसे रियल लाइफ में कैसे करते हैं इसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे बोलते हैं यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ठीक है अब जब आप यूएमएल यूज करते हो ये एक लैंग्वेज होती है बेसिकली आप इसमें यू आई ही डेवलप करते हो ठीक है आप कोडिंग नहीं करते आप यू आई डेवलप करते हो ठीक है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टेशन डिजाइन द इनवॉल्व यूज ऑफ टूल टू विजुअलाइज स्पेसिफाई एंड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम तो हम टूल्स यूज करते हैं बहुत सारे जिससे हमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं अपने डिजाइन को कैसा दिखेगा The unified uh, unified modeling language UML is a widely accepted language for OAD. मतलब हम use करते हैं UML language. Here is an overview of key tools and their benefit. अब दो क्या क्या है? जैसे UML क्या होता है? UML serves as the fundamental language of OAD. तो हमने बता दे कि fundamental language है OAD की, ठीक है? इसके बाद it focus on concept for Bosch, OMT, आ, मैंने पढ़ा था बॉश मेथोलॉजी पढ़ी थी ओ एम टी आइवर जेकोब्सन ठीक है और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूएमएल प्रोवाइड्स अ कॉमन मॉडलिंग लैंग्वेज फ्राम प्रोमोटिंग कैपेबिलिटी अक्रॉस वेरियस मैथोलॉजी मतलब यूएमएल हमारी एक लैंग्वेज है फंडामेंटल लैंग्वेज है जो यूज होती है इसके अंदर बेसिकली आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कॉमन मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसको हम बहुत सारे मेथोलॉजी के साथ यूज कर सकते हैं ठीक है इसके बाद इसका फायदा क्या है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग केस टूल सी ए एस टूल ठीक है द टूल सपोर्ट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग नोटेशन एंड मेथोलॉजी तो केस टूल्स कौन से होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टेड मॉडलिंग को नोटेशन को ठीक है दे जनरेट पार्ट ऑफ दी ऑब्जेक्टेड एप्लीकेशन सपोर्ट्स यूएमएल फीचर्स मतलब इन टूल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं अपने डिजाइन्स रेडी कर सकते हैं ठीक है बेनिफिट ऑफ ओ एम टूल्स क्या क्या बेनिफिट है फैसिलिट यू एम एल फीचर्स लाइक क्लासेज मैथड एंड इनहेरिटेंस हम इसमें क्लासेज बना सकते हैं हम इसके अंदर मैथड्स बना सकते हैं इनहेरिटेंस फॉलो कर सकते हैं इसके बाद सपोर्ट्स रिलेशनल डेटाबेस जो भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं जिनके अंदर हमें कुछ रिलेशन बनाने होते हैं तो वो सारा काम हम इसके अंदर कर सकते हैं इसके बाद एड इन जनरेटिंग रिवर्स इंजीनियरिंग कोड फॉर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है कोड से मतलब आपका कुछ ऐसा कोड है जिससे आपको रिवर्स करना है मतलब जैसे मिनी फाइड से दोबारा से नॉर्मल फाइल बनानी है तो वो सारा चीज हम इसके थ्रू करते हैं इसमें हेल्प मिलती है हमें इसके बाद लिस्ट ऑफ यूएमएल टूल अब कौन कौन से टूल मार्केट में अवेलेबल है सबसे पहला स्टार यूएमएल ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है यूएमएल टू पॉइंट एक्स को सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और इसमें भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो मंटी लिंग्विस्ट है ठीक है और इसमें आप अपना डिजाइन बना सकते हो ऐसे ही वी ओ यू एम एल है ये भी एक टूल है जो हम जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग कर सकते हैं मतलब अपना डिजाइन रेडी कर सकते हैं विजुअल पैराडा पैराडियम जो भी है और इसके बाद एग्रो यूएमएल मतलब बहुत सारे टूल्स हमें बताए गए हैं तो ये सारे टूल्स हम यू मतलब यूज कर सकते हैं यू एम एल अपना बनाने के लिए मतलब अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए नेक्स्ट आती है लास्ट समरी मतलब हमारी यूनिट खत्म आ चुके दिस समरी वी एक्सप्लोर द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड मॉडलिंग वी डिस्कस द की फिलोसफी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब हमने ये सारा पढ़ लिया इसके अंदर ठीक है इनहेरिटेंस एंड कैप्सुलेशन ये सारा हमने पढ़ लिया इसके अंदर तो ये पूरा हमारा यूनिट जो है वो खत्म हो चुकी है मतलब हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है अब हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी बाकी की यूनिट्स भी आए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूं आपको हमेशा ठीक है तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आप वहीं से पढ़ सकते हो शॉर्ट में फटाफट -फड़ रिवाइज कर सकते हो और बुक के अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं देखो कुछ क्वेश्चन है आप इसमें से ट्राई कर सकते हो जरूर करना है क्वेश्चन ठीक है वट इज एसोसिएशन गिव एन गिव एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन देखो ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं तो जिस जिसने ये क्वेश्चन कर लिए चेक योर प्रोग्रेस वाले जो लास्ट में दिए होते हैं ठीक है ये क्वेश्चन जिन कर लिए वो समझ लो पास है ठीक है जैसे व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन एसोसिएशन बताया था ठीक है गिव द एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इसके बाद व्हाट इज इनहेरिटेंस ये भी बताया था गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस ये भी बताया था तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है पढ़ा दिए अब इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं है ना किसने रोका आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोका आपको मार्क्स लाने से ठीक है तो आपको ध्यान देना बस पढ़ाई पे पढ़ते जाना है और एग्जाम पास आ रहे हैं तो जल्द जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ठीक है ओके बाय थैंक यू सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, है, ठीक है और वीडियोज आती रहेंगी बेल आइकन को दबा देना नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक है ओके